सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि आप बिना बुकरम के गले कैसे बना सकते हैं। कभी कभी होता है कि बुकरम नहीं होती है हमारे पास, या फिर किसी को बुकरम के गले पसंद नहीं होते, क्योंकि बुकरम के गले में चूना होता है जो धोने के बाद शीलिंग हो जाता है और झोल आती है। और कई लोग पेपर पेस्टिंग के भी गले पसंद नहीं करते। तो हम आपको इसमें बताएंगे कि आप गले को किस हिसाब से बना सकते हैं। और इसमें दो चार गले ही बन पाते हैं, ठीक है, और वो हमारे प्लेन गले में, सिर्फ वही गले हम इसमें बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ हम इसको आपको सिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये देखिए, जैसे ये हमारा डेमो पीस है ओनली, ठीक है, छोटा सा काट रखा हमने। ये हमारा मान लीजिए फ्रंट वाला पीस है, इस हिसाब से हम इसको, सेंटर हमारी क्रीज बनी होगी तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे बिल्कुल सफाई से। अगर आपको फिनिशिंग से बनाना है बिना बुकरम के गला, तो आपको ये चीज़ करनी होगी। अब मान लीजिए आपका गले का डीप है 7.5 इंच तैयार, तो आप कैसे बनाएंगे, ये हमारा कुटका लगा, ये ब्रॉड का निशान है, तो यहाँ से हम नापेंगे गले का डीप 7.5 है, तो हम 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे। गले का जो ब्रॉड है उसका निशान लगाएंगे, 3 इंच ब्रॉड है तो नीचे 3 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे। इंची टेप की मदद से इसे बिल्कुल सीधा कर देंगे। अब हम इसमें गला देंगे जो वो शेप देंगे, जैसे इसमें 2-3 शेप ही बन सकती है, ज़्यादा शेप नहीं बन सकती। जैसे गोल हो गया, चोरस हो गया, जिसमें कटाव ज़्यादा होंगे वो नहीं बना सकते हम, जो बिना कटाव का होगा वो गला बना सकते हैं, जैसे वी गला हो गया, ठीक है। हम इसे बनाएंगे स्वीट हार्ट गला, तो आप स्वीट हार्ट गले को इस हिसाब से रखें, ये सीधा स्वीट हार्ट होता है हमारा, आप इस पर एक निशान लगा लें। तो हम बुकरम की कटाई ये करते हैं तो हमारा ये गला पलट के आता है, लेकिन हम बिना बुकरम के गला कैसे बनाएंगे, तो आप देखिए इस हिसाब से हमने निशान लगा लिया। अब हम बिल्कुल एक पैर के मार्जिन के हिसाब से इसे काटेंगे। ये देखिए हमारा पैटर्न कट चुका है, अब हम इसको हटा लेते हैं। तो जो हमारा ये वाला बीच वाला पैटर्न है, फिर हम एक कपड़ा लेंगे। कपड़ा लेने के बाद आप देखेंगे ये हमारी ये सीधी वाली हिस्सी, ये हमारी किनारी है, ये सीधा होता है, तो आप कभी भी कपड़े को ऐसे ना लें, ये आड़ापन हो जाएगा। आप हमेशा सीधे को ही इस हिसाब से रखें, और सीधा रखने के बाद आप इसको देखिए, मैं सही से दिखाता हूँ आपको, इस हिसाब से आप स्वीट हार्ट को, गले को ऐसे रखेंगे बिल्कुल बराबर। तो सबसे पहले ऊपर का सीधा कर लें। अब आप इसको बिल्कुल बराबर से काटेंगे, तो ये हमारा गला कट चुका है देखिए। अब हम इसको फिनिशिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, हम करीब पट्टी को इतनी चौड़ी, इसकी चौड़ाई होगी आपकी तकरीबन, ये आप 1.25 इंच चौड़ी पट्टी काट लें एक बराबर। आप इसको नापें कि ये भी 1.25 है या नहीं, ये 2 इंच है, तो हम इसको एक एक पैर और छाटेंगे। ये देखिए, जब ये आपकी बिल्कुल एक बराबर से छट जाए, जब छट जाए एक बराबर से, फिर हम आपको बताते हैं मशीन पे कैसे बनेगा। तो देखिए दोस्तों, हम जो गले का पैटर्न हमने काटा था उसको हम इस हिसाब से खोलेंगे, और इस तरफ में बिल्कुल बराबर से हम इस हिसाब से मोड़ेंगे, करीब इतना चौड़ा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा मोड़ेंगे यहाँ पे 1/2 इंच के आसपास, उस पर सीधी सिलाई लगाएंगे एक बराबर से। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इस हिसाब से रखने के बाद आप इसको ऐसे करें, तो ये आपकी नोक भी एक अच्छी तरीके से बन के आएगी, और कपड़े का गला है तो फिनिशिंग में भी अच्छा बनेगा। फिर आप इसको ऐसे रख के हल्के हाथ से सिलाई लगाएं। ये देखिए, इस हिसाब से आप बस पलटते चले जाएं। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल एक बराबर पलटने के बाद हमारा गला ऐसा होगा, ये हमारा जो निशान लगा रही है हमारा उल्टा है। अब हम अपना एक ये लेंगे जो कमीज पे हम गला बनाएंगे, तो ये हमारी उल्टी साइड है जो हमने निशान लगाए थे, हम इसको ऐसे खोलेंगे, और सीधी साइड से बिल्कुल नोक से नोक मिला के हम इसको, जो एक पैर का हमने मार्जिन छोड़ा था, एक पैर के मार्जिन के हिसाब से हम इसको सिलाई लगा लेंगे पूरे गले को।
तो देखिए दोस्तों, जब आप इस हिसाब से बना लेंगे फिर आप तीनों जगह पे कुटके लगा लें। फिर आप कट लगाने के बाद आप इसको ऐसे करें, सारा मार्जिन आपका इधर ही होगा और आप इस पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगा दें लब की। फिर दोस्तों जब आप इस नुक पे आएंगे आप ऐसे करके इसको ऐसे घुमा लेंगे और नुक पे सिलाई लगाएं। फिर सुई को अंदर रहने के बाद आप ऐसे घुमा लें, फिर आप इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, आपका सारा मार्जिन इधर ही रहेगा। उसी तरीके से जब आप इधर आएंगे फिर दोबारा, फिर आप इसी हिसाब से कर लें। ये देखिए तीनों नोकों पर आपने कर लिया, उसके बाद आप सिलाई लगा लें। देखिए तीनों नोकों पर आपने अच्छी तरह कर लिया, अब इसको आप कच्चा कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए कितनी बढ़िया फिनिशिंग के साथ ये हमारा गला बन चुका है। ये बिना बुकरम का गला है, जो अगर इसमें आप हल्का सा भी खींचेंगे बनाते हुए तो आपकी ये चीज़ फटलग जाएगी, और फटलगने से क्या होगा, ये वाला हिस्सा बढ़ जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हल्के हाथ से बनाने होते हैं कपड़े के गले, इसमें कोई खिंचाव नहीं चाहिए। अगर आप खींचेंगे तो आपके गले की शेप बनेगी ही नहीं जैसे कि आपने काटी थी। और आप देखें आपका गला था 7.5 इंच डीप, तो आप यहाँ से रख के देखेंगे ये 8 इंच आ गया। 8 इंच आने के बाद आप आधा इंच यहाँ पे दब जाएगा कंदी में, तो ये हमारा 7.5 तैयार आ जाएगा गला। तो इस हिसाब से हमारा गला ये बनता है, और हम आपको दिखाते हैं कि पीछे से कैसे बना है। तो देखिए आप पीछे से भी हमारी फिनिशिंग इस हिसाब से आएगी, एक बराबर पट्टी आएगी बिल्कुल, ठीक है। इस हिसाब से आप हमारी क्या नाम है गले को बना सकते हैं, हल्का 19-20 हो जाता है कपड़े गले में, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप बिना बुकरम के बनाएंगे, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, अगर आप इसको एक बार फिनिशिंग में इन गलों को बना लेंगे, क्योंकि कटाव वाले जो गले होते हैं वो तो बुकरम में ही बनते हैं, लेकिन अगर गोल चौरस स्वीट हार्ट गले हों तो वो आप इसी में बनाएं। इससे क्या होता है, आप धोने के बाद देखेंगे जो बुकरम होती है वो सुकड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं झोल आती है, लेकिन कपड़े के गले में वो चीज़ नहीं होती, बिल्कुल ओके बैठता है। तो इस हिसाब से आप कपड़े के गले बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और साथ ही आपको मैं बताता हूँ कि किस हिसाब से आप और गले निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको भी हम 7.5 गला डीप है, तो हम इसको भी 8 इंच पे निशान लगा लेते हैं, और जितना ब्रॉड हमारा यहाँ पर है जैसे 3 इंच है, तो नीचे भी 3 इंच पे निशान लगा लें और इसको सीधा कर लें बिल्कुल। अब मान लीजिए हमें चौरस गला निकालना है, तो हम इसको नीचे से बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे एक, और हमें यहाँ से कैसा शेप देनी, कितना मतलब चौरस में होता है ना कि हमें गिलास शेप पहनना है, गिलास हमें पहनना है 5 इंच यानी कि 2.5 इंच तैयार। तो हम 2.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इंची टेप की मदद से कुटके तक इस हिसाब से हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा चौरस हो गया, हम इसको कट कर देंगे तो ये हमारा चौरस हो गया। अगर हमें चाहिए वी गला तो आप इसी से ये वी गले का निशान लगा लिया आपने राउंड, तो ये हमारा वी गला हो गया। तो इस हिसाब से आप वी गला निकाल सकते हैं। राउंड गला निकालना हो तो आप इतनी दूरी से घुमा लें, ये आपका राउंड गला निकल गया। देखिए जो आपने नीचे वाला निशान लगाया, इस हिसाब से आप तीन गले को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इस गले को निकाल सकते हैं और बना भी सकते हैं, जैसे कि हमने आपको स्वीट हार्ट गला बताया, सेम बिल्कुल वैसे ही बनाना है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।